देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। सबसे पहली बात आती है इसकी फर्स्ट ब्रांच की, जिसको हमने नाम दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन द चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। कहने का मतलब ये है कि हमारी फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसकी फील्ड कहाँ तक है उसके बारे में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके अंदर कितना पोटेंशियल है वो हम स्टडी करेंगे। व्हेन द चार्ज इज आर एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट पे होगा तब, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको हमने दूसरा नाम भी दिया है जिसको हम जानते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेज। सबसे पहली बात ये होती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इट इज़ द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी। ये चार्ज जो है ये इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होती है, इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच इट शोज, ये क्या करता है, शो करता है अट्रैक्शन और रिपल्स। क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन शो करता है। जो चार्ज है वो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, जो चार्ज है वो एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद जो एसआई यूनिट होगी चार्ज की, जैसा कि हम जानते हैं कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसकी फंडामेंटल यूनिट नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसकी जो यूनिट है वो क्या है, हमने कूलम्ब इनके साइंटिस्ट के नाम पे रखी, ठीक है। जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा उसको हम कैसे डिराइव करेंगे, जैसे हमें पता है कि जो करंट होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ से हम चार्ज के लिए निकाल सकते हैं आई इंटू टी, और हमें पता है कि जो चार्ज होता है उसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर और टाइम की होती है सेकेंड, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा चार्ज के लिए वो होगा हमारा एम्पियर और ए और टी, ठीक है। उसके बाद बारी आती है कि टाइप्स ऑफ चार्जेज क्या होते हैं, जो चार्जेज हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहली बात आती है कि पॉजिटिव है और दूसरा है नेगेटिव। जैसा कि हमें पता है कि जो चार्जेज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। उसके बाद ये हमें पता है कि जो पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। नेगेटिव भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इससे हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि जो लाइक चार्जेज हैं वो हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेज हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है पोलैरिटी की, ठीक है। पोलैरिटी क्या होती है, पोलैरिटी का मतलब ये होता है कि जैसे सुना होगा आपने कि जो बैटरी होती है इन्वर्टर की उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा जाता है, तो सेम वही चीज़ है जिसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। वैसे ही सेम पोलैरिटी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव। इट इज़ ए प्रॉपर्टी विच हेल्प्स, जो हमें मदद करती है किसमें, इन डिफ्रेंशिएटिंग, अलग करने में, डिफ्रेंशिएटिंग टाइप्स ऑफ चार्ज, किस टाइप का चार्ज है वो हमें मदद करेगी पोलैरिटी, ओके। तो लाइक चार्ज हमें पता है, यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला था कि जो लाइक चार्जेज हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक डिवाइस होता है इसके अंदर, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप।
इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर हमें क्या पता चलता है, इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जिसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि ये प्रेजेंस बता सकता है चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की, और उसका नेचर बता सकता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, कई बार आ जाती है पेपर में, ए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन ए बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, ये एक डिवाइस है जिसकी वजह से किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेज है या नहीं है, एक तो वो पता करता है, और दूसरी बात ये पता करता है कि उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास गोल्ड लीफ, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ एक इलेक्ट्रोस्कोप है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रेजेंस का और उसके नेचर का पता करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है कि जो पॉजिटिव चार्ज मटेरियल्स होते हैं और कुछ नेगेटिव चार्ज मटेरियल्स होते हैं। जैसा कि आपने स्टोरी सुनी होगी कि स्केल होता है, उसको बालों पे रब करते हैं तो उसके अंदर चार्ज आ जाता है और वो जो कागज़ के टुकड़े होते हैं उनको उठा लेता है। ठीक है, तो एक लिस्ट बना लो जिसकी वजह से आपको आसानी हो जाएगी याद करने में कि किसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है और किसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इससे रिलेटेड आपके पास पेपर में, आपके बोर्ड्स में ये क्वेश्चन मिल जाते हैं कई बार। ठीक है, तो हम उन दोनों को अलग अलग करके रखेंगे जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि कौन से मटेरियल पॉजिटिव चार्ज हैं और कौन से मटेरियल नेगेटिव चार्ज है, कौन सा किसके ऊपर रब करें। सबसे पहले बात आती है ग्लास की। जो ग्लास होता है अगर उसको हम रब करते हैं, मान लो सिल्क के कपड़े से अगर रब किया है, तो ग्लास के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल हमारा फर। ठीक है, फर आपने सुना होगा। उसके बाद वूल, जो वूल क्लोथ होते हैं उसके ऊपर भी चार्ज आता है, चार्ज आता है ये तो हमें पता है, लेकिन कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद बारी आती है ड्राई हेयर। ठीक है, जो हमारे सूखे बाल होते हैं, देखा होगा कई बार कि जब हम उसके पास स्केल लेके जाते हैं फिर कंघा लेके जाते हैं तो बाल जो है वो उसको अट्रैक्ट करते हैं, मतलब बाल खड़े हो जाते हैं कंघे की साइड, तो ड्राई हेयर जो होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। उसके बाद बारी आती है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की, मटेरियल्स की। सबसे पहले प्लास्टिक। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है कि जो हमारा कोम्ब होता है वो लोग प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक का कोम्ब अगर हम बालों पे, ड्राई हेयर पे रगड़ेंगे तो प्लास्टिक जो है वो ड्राई हेयर को अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसलिए वो एक दूसरे को अटैक करते हैं क्योंकि वो चार्ज हो जाते हैं। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है। सेकंड थी हमारे है सिल्क, जो सिल्क का कपड़ा होता है, सिल्क के कपड़े को अगर ग्लास ट्यूब से अगर हम रब करते हैं, ये स्टोरी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दी हुई है, प्लास्टिक या फिर सिल्क, सिल्क का कपड़ा अगर ग्लास ट्यूब के ऊपर अगर हम रब करते हैं तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद आती है इबोनॉइट, इबोनॉइट या फिर बोल दो इसको रबर या फिर बोल दो इसको एम्बर। एम्बर जो आपने वो एक रेड कलर की सील होती है कागज़ के ऊपर लगी हुई आती है जब कोई भी डाक पार्सल आती है, तो उसको हम बोलते हैं एम्बर। और उसके बाद आता है हमारा कोम्ब। कोम्ब जो होता है वो कैसा है, प्लास्टिक का होता है मेनली, और कॉम्ब के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और ड्राई हेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसलिए ये दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है जब अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव ही क्यों ना हो। उसके बाद द मटेरियल, वो मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है वो देखते हैं, कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
the materials which lose electrons are said to have पॉजिटिव चार्ज। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जैसा कि हमें पता है कोई भी एटम है अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। उसी तरह से मटेरियल के अंदर भी होगा। और जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उसके अंदर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये भी आप लिख सकते हो, द मटेरियल व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन आर सेड टू हैव नेगेटिव चार्ज। क्योंकि अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया है, जैसा कि हमें पता है जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन आता है तो वो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। दूसरी बात यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई भी एटम तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वो क्यों आ जाता है, क्योंकि एक प्रोटॉन उसके पास बढ़ गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या किसी भी एटम के अंदर क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, तो इसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हो कि जैसे ये होता है हमारा न्यूक्लियस, इसका पहला ऑर्बिट है जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं दो। उसके बाद अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते हैं, आठ। ये हम नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं कि कैसे आते हैं, कितने किस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाता है, इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो सीधी सी बात है कि फर्स्ट ऑर्बिट में तो सेम रहेंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ओके, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ से चला गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। तो इसको हम बोलेंगे, जैसे मान लो इसके पास थे 10 इलेक्ट्रॉन और प्लस 10 प्रोटॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन बोल सकते हो। तो टोटल कितना हुआ चार्ज, चार्ज जो हो गया वो क्या हो जाएगा, चार्ज है इसके ऊपर जीरो। लेकिन इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 है नेगेटिव चार्ज, प्लस में 10 है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इनको घटाओगे तो क्या आएगा, सीधी सी बात है कि एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इनके ऊपर। ठीक है,